अपने घर को पूरा डिस्को डांस वाला रूम बना दिया है। रूम में क्या लगाया है? मूवी लाइट। सुबह सुबह इन लोग का पटाखा फोड़ना स्टार्ट हो गया। ये चेक कर सकते हो, ये रहा मेरा आईडी विराज ब्लॉग। फटाफट जाना फेसबुक पर भी हमको सब्सक्राइब कर लेना। जब भी हम पास में आते हैं इन लोग का लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं सुधर सकते लोग। कौन कौन सुने एक बार कमेंट में जरूर बताना। सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी फिलहाल आ रहे हैं नहा धोकर। वैसे आज थोड़ा उठने में लेट हो गई है, हर वक्त इतना लेट नहीं होता। कल कुछ ज़्यादा ही थक गए थे पटाखे फोड़ते फोड़ते, तो आज उठने में लेट हो गई है। और मेरे कानों से कम सुनाई दे रही है क्योंकि कल पूरे रात पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रहे थे, फट 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 फट। और सुबह उठे कोई भी बोल रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कान में कम आवाज़ आ रही है। भाई सुन हो चुके हैं दोनों ही के दोनों कान। अभी भी पटाखे फोड़ ही रहे थे। वो देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर, वो चेक करो। यहाँ पर रात के 2 बजे तक पटाखे फट रहे थे यार। इतने पटाखे सोने जा रहे, पटाखों की आवाज़ से उठ जा रहे, फट फट इतना बज रहा था कि पूछो ही मत। कल देख सकते हो घर में बना था रंगोली। रंगोली अभी हल्का हल्का सब बिगड़ गया है, लेकिन बहुत ही प्यारा बना था। ये चेक कर सकते हो, लक्ष्मी माता का पैर है और साथ ही साथ हैप्पी दीपावली वहाँ पर लिखा गया है। कल सब आपको सिनेमैटिक में दिखाए थे। वैसे कल आपको ना ऊपर वाला गणेश लक्ष्मी जी का घर दिखाना भूल गए थे, जो हम बनाए थे उसको चलकर आज दिखा देंगे कैसा हम बनाए थे। कल वहीं पर पूजा हुआ, सब हुआ। कल पूरी गलियों में दिए जल रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे ना। वो चेक करो भाई, दिए लगा कर जला रहे सब। जलेगा भी कि नहीं यार, डर लगता है जब तक नहीं जला रहता है। लग रहा है नहीं जलेगा, खराब पटाखा है, खत्म है खत्म। जब तक नहीं जलता है ना तो इंसान को सस्पेंड में डाला रहता है, दिल धक 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 करते रहता है, फिर से जला दिए तो। वो देखो वो भाई, डर लगता है। फट जा यार, नहीं फटेगा, नहीं फटेगा, डरा दे रहा है। लेकिन ऊपर दिए लगा दिए सब, फुट कर यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि जब दिया टूट कर भी करता है ना तो आंखों में कहीं पर भी चोट लग सकता है, इसीलिए थोड़ा बचकर पटाखों से रह जाता है। और ये सब तो सुधरेंगे सब, नहीं देख रहे हो सुबह सुबह इन लोग का पटाखा फोड़ना स्टार्ट हो गया। वाह ये देखो जी जला, अब ये शायद फट जाएगा। फट जाए यार, सब सड़ा हुआ पटाखा इन लोग का नहीं जल रहा है। तो गाइस ये चेक करो, ऊपर का पंडाल जो कल हम लोग बनाए थे तो पूरा बिजली सेप का बन चुका है। सूखा है ना तो सारा मिट्टी छोड़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा डिजाइन सा बन गया। ये भी डिजाइन प्यारा लग रहा है। और अंदर गणेश लक्ष्मी जी विराजमान है। कल इसको चिपकाने की कोशिश की लेकिन चिपक ही नहीं रहा था जमीन पे, मिट्टी की वजह से सब छोड़ दिया है। लेकिन ये चिपक गया। आज मेरा पूरा शरीर आलसी हो चुका है, आज इतना सारा काम है ना और कुछ भी काम करने को मन ही नहीं कर रहा, पूरा शरीर आलसी हो चुका है। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, काम है तो। एक्वेरियम का पानी साफ कर दिए थे दीपावली में, तो पानी कितना चमक रहा है। और अंदर कछुए मछली साफ साफ दिख रहे हैं, लो हम आराम से कछुआ इसमें खेल भी रहा है। और कल था गाइस इंडिया इंग्लैंड कह रहे हैं नीदरलैंड का मैच, जो इंडिया कल मैच जीत गया। देखकर इतना मजा आया ना, इतना मजा। इंडिया 400 रन मारा, सारे लोग अर्धशतक शतक मारे लोग कई लोग। और इन लोग का लड़ाई देखो, जब भी हम पास में आते हैं इन लोग का लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं सुधर सकते लोग, दोनों के दोनों वही है सब। एक लोग झगड़ा नहीं करता है, दोनों के दोनों आपस में ही झगड़ते हैं सब। दुष्ट, रात को वो उसको काटता है, दोपहर में वो उसको काटता है, पता नहीं क्या सीन है इन लोग का। ओए झगड़ मत, झगड़े के चक्कर में हमको भी काट देते हैं सब कभी कभी, इसीलिए इन लोग का झगड़ा जल्दी हम सुलझाते नहीं है। कहते हैं झगड़ मत, इन लोग झगड़ते रहो। देखो अभी हमको बुला रहे हैं सब, लेकिन हम जाएंगे नहीं, अभी जा रहे एक काम से बाहर और उसको कर आते हैं, तो फिर जाकर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल आए हुए थे घूम फिर कर आदित्य के घर पे। वैसे गए हुए थे उस वक्त बाहर ना, तो ये हमको छोड़ कर चला गया था दूसरे दोस्त के साथ। ऐसा तो भाई होना चाहिए जो अपना भाई को छोड़ के चले जाए दूसरे लोग के साथ। आया है 2-3 घंटे बाद, हम वहाँ से चले आए अकेले ही और इसके घर में आ रहे हैं। और अपने घर को पूरा डिस्को डांस वाला रूम बना दिया है। ये देखो
अंदर रूम में क्या लगाया है? मूवी लाइट। चेहरे पे लाइट आ रही होगी, बढ़िया लग रहे होंगे ना। फिलहाल सॉन्ग बजा रहे लो और इंजॉय कर रहे लो थोड़ा बहुत। वैसे आज तो दिन पूरा काम ही में चला गया। अभी आदित्य यहाँ पर डीजे ऑन कर दिया है, यहाँ पर सॉन्ग बजा रहा। कौन कौन सा सॉन्ग है जी? पूरे दिन भोजपुरी सुनता है, भोजपुरी अच्छा लगता है ना। और जी तो लाखों तक क्या है? कम करो, कम 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 गरारे कर ले, कम करो, बहुत ज्यादा ही लाउड है। भोजपुरी में कौन सा गाना सुनते हो? सबका सुनता है ये, बहुत ही ज्यादा भोजपुरी सुनता है। तभी इतना भोजपुरी बोलता है, ब्लॉग में भी आप नोटिस किए होंगे। ये पता नहीं कौन सा सॉन्ग बजा रहा है, लेकिन कोई सा भी सॉन्ग कॉपीराइट स्ट्राइक तो आने वाला है, इतना तो हम समझ लीजिए। फिर भी अब क्या कर सकते हैं, सॉन्ग है तो सुनना तो पड़ेगा ही। चलो कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया जाएगा। ये दो गद्दर जो वाला है ना, गद्दर टू का सॉन्ग इसको पसंद है और कुछ भी नहीं। भोजपुरी भोजपुरी भी पसंद है। भोजपुरी में कौन सा सुनते हैं, एक बार सुनाओ हमको। अच्छा रहना चाहिए, हाँ अच्छा रहना चाहिए। लगा भाई, जितने देर तक ये बजाय कॉपी राइट आ ही जाएगा। चलो स्टार्ट कर देता है। ये तो हम कहीं भी नहीं सुने हैं, यही सब सुनता है तभी इसको मालूम है। लाइट भी सॉन्ग के हिसाब से चल रहा है, कलर चेंज हो, देखना अभी बज, देखो कलर अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। कौन सा सॉन्ग है गाइस, आपको पता है तो कमेंट में बता देना ना। इसको पता है, हमको नहीं पता। एक और सॉन्ग लगा दिया, कह रहा हिंदी है। ये तो वो है, बिग बॉस में गई थी। चेंज करो दूसरा, एलविस यादव का न्यू सॉन्ग बजाओ, मजा आएगा, जरूर कॉपीराइट आएगा। चलो एलविस यादव का सॉन्ग सुनते लो, उसका मस्त सॉन्ग है बुलोरो वाला, मजा आता सुनने में, कई बार सुन लिया। वही है ना, तो बैठना बुलोरो में। ये मनीषा रानी एंड एलविस यादव। स्लो कर लो भाई, स्लो कर लो। एक दो और सॉन्ग है जो मस्त लगता है, बजा कर दिखाते हैं आपको। वो कौन सा सॉन्ग है? ये था ये। तो दीवाने तेरे दीवाने खा गया ये है। ये तो प्रचार इतना आता है, पूछो ही मत। एड्स कितना कमाएंगे केवल एड्स आ रहा है। जितना काटोगे उतना बढ़ाता है, नहीं रुकने वाला एड्स। एक बार आ गया, कौन सा गाना है? बहुत ही मस्त सॉन्ग है। करें सिस्टम दिखाई करें, बुगाटी कार्ड है पूरा। शो का सॉन्ग सुन रहा है, लेकिन रूम को बढ़िया बना दिया। कौन कौन इस सॉन्ग को सुने एक बार कमेंट में जरूर बताना। आई होप कि सारे लोग सुन लिए होंगे। अभी देख सकते हो आदित्य को सुना रहे, क्योंकि ये सुना नहीं होगा, इसको केवल भोजपुरी सुनने का आदत है। तो दीवाने दीवाने तेरे दीवाने, अभी फिलहाल निकले हुए थे बाहर घूमने के लिए नहीं, एक्चुअली अभी जा रहे लोग कुछ खाने के लिए। ऐसे वहाँ से खोजते खोजते बिरयानी आ गए लोग बहुत दूर तक,
यही कहीं पर मिलता है, ये सब लेकर जा रहे हैं सब हमको। और रोडों पे देख रहे हो उतना लाइट भी नहीं लगा है, लग रहा है सब दीपावली के बाद निकाल दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। जितना तो रोडों पे लगा उतना तो मेरे गलियों में केवल लगा है यार। और कई लोग तो आज ही पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज ही दीपावली है, तीसरी दीपावली मनाया जा रहा है यहाँ पर। लग रहा है भाई पहुँच गए लो। गाइस यार किस्मत ही खराब, बिरयानी ही नहीं है, वहाँ भी दुकान नहीं खुला था तो यहाँ पर आया लो खाने के लिए। यहाँ तो किस्मत ही खराब निकला, बिरयानी ही नहीं है, लग रहा है आज भाग्य में नहीं है, वरना मिलना रहता है तो मिल जाती है। जा रहे लोग दूसरा दुकान खोजने के लिए, वहाँ पर मिल जाए। ये रहा भोलेनाथ का मंदिर, जय भोलेनाथ। लो जी भाई पहुँच ही गए लो, आगे रहा वो दुकान। अभी फिलहाल बिरयानी आ गई है, देख रो देखते ही मुँह में पानी आ गया, तो फटाफट अभी इसे खाते है लो। पास अभी मस्त बिरयानी खा कर निकल लिए लो, और जो हमको सुकून मिला है ना अच्छा मज़ा आ गया। कभी से खाने को मन कर रहा था, खा लिया, इतना अच्छा सा लगा एकदम सही बात। ऐसे बाहर निकलो ना तो अब थोड़ी बहुत ठंडी लगना स्टार्ट हो गई है, कुछ दिन में पता चलेगा थोड़ी पहन कर निकलना पड़ेगा या अंदर इनर उनर डाल कर कि ठंडा मत लगे। ये देखो गलियों में कितने सारे बंदर आए सर, एक वहाँ पर बैठा है और दूसरा शेर वहाँ पर बैठा है, कितने मोटे मोटे आए सब बंदर आज गलियों में। भाई इन लोगों को खाने को कुछ मिल रहा है इसीलिए इतने सारे आ गए सर। चलो लाइट को बिगाड़े नहीं है सर, बच्चे के साथ खेलने में मज़ा आता है। देखो अपने माँ के शरीर पर बैठ कर चला गया, सफ़र कर रहा है। वैसे आजकल बंदर गलियों में कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं सर। वो देखो सामने डॉग हमको कैसे देख रहा है, अच्छा वो अपना बच्चा दिया ना उसी लिए वहाँ पर बैठे, चलो इसका बच्चा दिखाते हैं। लेकिन ठंडी में इन लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी। देखो इसकी माँ यहाँ पर रही और इसके बच्चे यहाँ पर है, ओह माय गॉड क्या दिखा दिए, पूरा मन ही खराब हो गया यार। हम देख लिए तो यार पूरा दिमाग ही खराब हो, बहुत गंदा चीज़ वहाँ पर है, देखकर माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गया। क्या ही ब्लॉग में पता है, एक डॉग का बच्चा मरा हुआ था और उसके भाई चितड़े उड़ गए, पता नहीं हुआ कैसे हुआ है यार, देखकर पूरा मन अजीब हो गया। और भाई आप लोग से एक चीज़ बताना है कि मेरा एक फेसबुक पेज भी आईडी है, ये चेक कर सकते हो, ये रहा मेरा आईडी विराज ब्लॉग के नाम से, जाकर सर्च मारोगे तो आ जाएगा पहले या दूसरे नंबर पे, इसको जाकर तुम जरूर फॉलो करो। देखो आज भी वीडियो डाले सब इसमें दिखाएगा, तो फटाफट जाना फेसबुक पर भी हमको सब्सक्राइब कर लेना। लो देख लो चैनल का नाम। उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग पसंद है ब्लॉग तो लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि काफ़ी रात हो गई बाहर है, अभी भी लोग पटाखे फोड़ ही रहे हैं, देख रहे हो ना दीपावली अभी तक हमारे गली में मनाया जा रहा है।